हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने एक रेसिपी कीवी की डाली थी, उसके बाद जो ये पानी बचा था इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें ये मैं एक कटोरी से भी थोड़ा कम सूजी डालूँगी। पहले मिक्स करके देखेंगे, अगर एक कटोरी पूरा रिक्वायर्ड होगा तो पूरा डाल देंगे, पूरा लग जाएगा। इसमें खट्टा पानी है, ये मैं अपनी तरह से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट बाद चेक करेंगे। ये मैंने जो चाशनी उसमें से बची थी वो ली है, और ये 1/4 कटोरी दूध लिया है। चाशनी को दूध में डिसॉल्व कर लेंगे, इसे चेक करके देखेंगे। ये देखिए थोड़ा सूख गया है, ये चाशनी डिसॉल्व करके ये दूध इसमें डाल देंगे। ये मैंने पालक लिया है, इसे टुकड़ों में बारीक कट करके और इसी में डाल लेंगे घोल में। ये 10 मिनट बाद चेक करेंगे, ये देखिए ये फूल गया है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। ये मैंने चाय मसाला पाउडर डाला है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये डाल के, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 1/4 टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा लिया है, इसे डालकर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से कट करते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इंडक्शन ऑन कर लिया है, तवा मोड पर सेट कर लिया है ये। अब इसमें हम उत्तपम की तरह स्प्रेड कर देंगे, छोटे छोटे बनाएंगे हम। अगर फ्लैट तवा है तो आप 3 से 4 भी बना सकते हैं। इसे ढक देंगे और 60 पर सेट कर देंगे। इसे चेक करेंगे, देखिए थोड़ा सिक गया है। अब इसे हम पलटेंगे, कितना सुंदर सिका है ये। बच्चों के लिए एकदम पौष्टिक रेसिपी है। अब दोबारा हम घी इसी तरह से डालेंगे, बहुत कम घी में ये बन जाते हैं। ऊपर थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। अब इसे नहीं ढकना है, 60 पर ही रहने देंगे। चेक करेंगे इसे, इस तरह का अपीयरेंस इसका आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है, एक बार और पलट देंगे। इसे चेक इस तरह से करेंगे, ये जिससे हम पलट रहे हैं इसी कलछी से ऐसे चेक करेंगे। देखिए ये एकदम क्लीन आ रही है, ये रेडी है। ये जाली रखेंगे किसी भी कैसरोल में, जिस तरह की कोई स्टीम वाले आइटम होते हैं उसको हमेशा जाली पर रखें। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। अब हम दूसरा स्प्रेड करेंगे। ढक देंगे, चेक करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालूंगी, ये घर का ही गोला है ग्रेटेड, इसे डालूंगी। अब इसे हम तवा मोड पर थोड़ी देर के लिए सेट कर देंगे। तवा मोड पर सेट करने से देखिए इसमें धुआं उठने लगा है। वापस इसे 60 पर सेट करेंगे, घी लगाएंगे इसमें, दोबारा ढक देंगे। जब ये इस तरह का अपीयरेंस आ जाए इसमें, तो हम इसमें अनार के दाने डालेंगे। और थोड़ा सा इस तरह से इसे दबा देंगे, दोबारा ढक देंगे, चेक करेंगे। एकदम शानदार सिका है ये। अब इसे पलट देंगे, यहाँ से थोड़ा डार्क हो गया है, ढक देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे, 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद इसे टर्न करेंगे, ये देखिए सिक क्या है, एकदम क्लीन आ रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी बना है। ये मैंने अनार दाने से गार्निश कर दिया है, ये प्लेन वाला है। देखिए कितना फ्लफ़ी है ये, डबल करके कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। लीजिए, बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।